10 किलो आईडी और 20 पैकेट हीरोइन के इसे आतंकवादी कुकर में छिपा कर लाए थे। नमस्कार, दिल्ली का लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनिए डोगरा। आपको बताते चले, जो आतंकी जो पकड़े गए हैं, तीन आतंकवादी पकड़े गए हैं, आपको बताते चले 10 किलो आईडी और 20 पैकेट हीरोइन के इसे आतंकवादी जो है कुकर में छिपा कर लाए थे और वहीं पे हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले, पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास पकड़े गए आतंकियों के पास से हीरोइन और हथियार के अलावा 10 किलो आईडी भी बरामद की गई है और इसके साथ साथ आतंकी इसे कुकर में छिपा कर लाए थे। पूरा वाक्य क्या है, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने तस्करी की कोशिश को विफल किया है। जी हाँ, वहीं पे जिले के करमांडा क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने गोलाबारी की। इसके उपरांत मौके से तीन आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनके उनसे आपको बताते चले, जो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है उनके कब्जे से हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। वहीं पे आपको बताते हैं, इस मामले में पुलिस और सेना की जान जो है वो जारी है। वहीं पे पुंछ जिले के करमांडा में नियंत्रण रेखा के पास सभी गतिविधियों को देखते हुए सेना ने गोलाबारी की। इसके उपरांत मौके से तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से हथियार और नशीली वस्तु जो है वो बरामद की गई है। वहीं पे अधिकारियों ने बताया कि सेना ने पूरे इलाकों को तुरंत घेर कर तलाशी अभियान चलाया। पकड़े गए जो तीन आतंकवादी है, आतंकियों में से एक जो है वो घायल है। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। वहीं पे गिरफ्तार आतंकियों की पहचान जो है, जो नाम निकल के सामने आए हैं, वो है मोहम्मद जुबैर, माफ कीजिएगा, जो पहचान है मोहम्मद फारूक 26 वर्ष, मोहम्मद रियाज 23 वर्ष और मोहम्मद जुबैर 22 वर्ष के तौर पर हुई है। सभी करमांडा के निवासी है। ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये बताए जा रहे सभी करमांडा के निवासी है। आरोपी फारूक के पैर में गोली लगी है। वहीं पे बताया ये जा रहा है कि ये आतंकी सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थ की खेप मिली थी वहीं पे, और वे इसकी तस्करी करने की कोशिश में थे। तभी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से एक राइफल, दो पिस्तल, 6 ग्रेनेड, प्रेशर कुकर में जो कि प्रेशर कुकर में रखा एक इम्प्रोवाइज माफ कीजिएगा, प्रेशर कुकर में सब कुछ रखा था जो नशीला पदार्थ था, और वहीं पे एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी और संदिग्ध हेरोइन के साथ 20 पैकेट बरामद किए गए। ये जो तीन आतंकवादी पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं, इनसे ये सामान जो है वो बरामद किया गया है। वहीं पे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। मामले में पुलिस और सेना ने जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। फिर से बताते चलूं, एक कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है। पुंछ जिले के करमांडा में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सेना ने गोलाबारी की। इसके उपरांत मौके से तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया, दो जो कि एक के पांव में गोली लगी है। उनके कब्जे से हथियार और नशीली वस्तु भी बरामद की गई है जो कि इन्होंने कुकर में रखी थी। इस तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिएगा दिल्ली का लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।